के लिए दाल को उबाला था और उसको ऐसे दरदरा करना है। तो सबसे पहले ये बता दें कि दाल को जो है ना कुकर में नहीं करना है, आपको कढ़ाई के अंदर पानी डाल के उबालना है और आप इसको देखेंगे मैं। हाँ जी, तो ये इतनी उबली होनी चाहिए कि जब अपने इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो ये ज्यादा नहीं कटे, मतलब अंदर से बाहर की लेयर थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए और अंदर की थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। और इसको दरदरा करना है, मतलब कहीं पे थोड़ी जो है दाल साबत भी है इसके अंदर, तो इसको ऐसे दरदरा कर लेना है। कचौरी में जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमको लगने हैं वो मैं बताती हूँ आपको। एक तो ये कटी हुई मिर्च है जिसको बीच में से काट के फिर चॉप कर दिया है। फिर उसके बाद में ये अदरक है जिसको भी हमने पीस दिया है। फिर उसके बाद में ये हींग है, हींग थोड़ी लगेगी, इतनी सारी नहीं लगेगी, थोड़ी सी लगेगी। और फिर उसके बाद ये धनिया पाउडर है, इसको भी पीस दिया था, तो ये थोड़े बारीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है पर थोड़ा थोड़ा सा पीस लिया है इसको। फिर इसके बाद में ये जो है इसके अंदर ये है काली मिर्च और लौंग का मिक्सचर, तो यहाँ पे थोड़े लौंग भी दिख पाएंगे आप, और ये काली मिर्च ज़्यादा डाली है इसके अंदर, काली मिर्च और लौंग का गरम मिक्सचर है ये। गरम हो चुका है, अब इसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसको भुनेंगे, फिर अब इसमें डालेंगे अदरक। काली मिर्च और इसका पाउडर, हींग बहुत सारी डालनी है इसमें। अगर आपकी हींग स्ट्रांग हो आप उसको स्मेल करके देख सकते हैं हींग कितनी डल रही है। अगर हींग की खुशबू आने लग जाए बस इतनी अपने को डालनी है। मेरी ये वाली हींग बहुत स्ट्रांग नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अभी ये पता कैसे चलता है कि हो गए हैं, इसको आप जब करेंगे मतलब ये चलाएंगे तो आपको कड़क कड़क से लगने लगेंगे, तो जो आपको साउंड भी आ रहा होगा इसका, तो मतलब ये हो गए हैं, कड़क हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपनी लाल मिर्च, सॉरी ग्रीन चिलीज मिर्च डालते से इसमें सिजलिंग साउंड आ रहा है क्योंकि ये थोड़ी सी में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है ग्रीन चिलीज में। इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे, 1 से 2 मिनट चलाएंगे इसको। ये जो दाल डली थी पिसी हुई थी अब इस दाल को डालने के टाइम आ गए। अब ये सूखे मसाले, ये जो नमक वगैरह इसमें से क्या क्या डालना है हमको ये देख बता देती हूँ मैं। इसमें नमक डाल देंगे अच्छे से, नमक अच्छे से भर के डाल देंगे, हल्की सी हल्दी, बहुत हल्की सी, ज्यादा नहीं डालनी है। और बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको और तीखा करना है तो आप लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं पर ये काफी है। बहुत हल्का सा गरम मसाला डालूंगी, गरम मसाला का टेस्ट इसमें बहुत ही कम आना चाहिए। देखिए इतने से मैं इतना सा ही गरम मसाला डाला है, बहुत हल्का सा, बेसन बाइंड करने के लिए चाहिए रहता है तो बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे इसमें बेसन। देखिए इतना ज्यादा है ये मसाला, इसमें मैं बस इससे भी शायद कम डालूंगी, अब देखते हैं। इतना बेसन डाल रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, पहले जो था दाल का कलर ऐसा था देखिए, और अब इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने मैदा भी बहुत सारा लिया है, एक्स्ट्रा बचेगा तो मैं उसकी मटरी या कुछ ऐसा बना लूँगी।
थोड़ा सा रवा लेंगे, जैसे इसमें थोड़ी सी वो आए, मतलब थोड़ा और क्रिस्पी हो ये। रवा लिया, हाँ जी। तो आउटर लेयर क्रिस्पी करने के लिए एक तो हमने इसमें रवा डाला है, वो तो है ही, साथ में हम इसमें डालेंगे मोइन। तो मोइन जो होना चाहिए वो घी का होना चाहिए, और ऐसा रहेगा कि जब पूरा घी डालने के बाद में उसको ऐसे करके हमको मिक्स करना है। अभी अपन देखेंगे, पहले इससे पहले इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। हाँ जी, तो इसमें हमने नमक डाला, अब घी डाल रहे हैं थोड़ा मोइन के, इसमें इतना डाला है। अब देखेंगे कि कितना मोइन डालना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आपने ये घी को मिक्स किया, अब इसको आपको अच्छे से मिक्स करने के लिए ऐसे ऐसे करना है, तो इससे क्या होगा कि थ्रू आउट मिक्स हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे किया तो ये टूट रहा है, तो ये अच्छे से मुट्ठी बननी चाहिए। इसमें और घी डालेंगे, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, करीब 10-15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में कचौरी बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कभी सीहोर की कचौरी खाई होगी तो आपको पता होगा कि वो गोल गोल रहती है। तो गोल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कि इसको पहले गोल ऐसे लड्डू टाइप के बनाएंगे इसके। तो उसके लिए देखिए, ये देखिए बहुत लूज सा ये है इसका फिलिंग, तो इसको हम जब ऐसे करते जाएंगे तो ये बाइंड होता जाएगा। तो अपने ऐसे कर करके इसके लड्डू बना लेने हैं। फिर कुछ नहीं करना है, रोटी जैसा बनता है आटा, उसको मोदक के शेप जैसा करना है, अंदर इसको फिल कर देना है। इसको ऐसे रख देंगे, भी अब देखेंगे उसको भी कैसे करते हैं। इससे क्या होगा ना कि फिलिंग की इधर उधर मूव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आपने लोई ले लेनी है, देखिए बहुत बढ़िया है ये, इसको छोटी कर देते हैं हम। चलिए तो ले लेते हैं, एक्स्ट्रा तो वैसे भी निकालेंगे ही। तो ये ली, क्योंकि इसके अंदर हमने मोइन डाला है तो इसके अंदर आटा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस बेलना है इसे। आई थिंक इतनी सही है मोटाई, इसकी इतनी कुछ रह रही है, ये सही मोटाई है इसकी। अब इसको हम ले लेंगे, यहाँ पे ये रखा हुआ है, एक जो हमने फिलिंग की बॉल बनाई थी वो रखेंगे इसमें, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसे मोदक टाइप से क्लोज कर देना है। एक्स्ट्रा जो रहेगा वो हम पूरा हटा देंगे इसमें, जैसे ये पूरा इतना एक्स्ट्रा है तो इसको हमने हटा दिया, ये ज़्यादा ही कर गया। तो आपको क्या करना है, जो आपकी ये है इसको, अब जैसे फूटे ना, इसके लिए इसको लेके आप ऐसे गोल कर देंगे। गोल कर दिया तो ये फूटेगी नहीं, तो ये हमारी ऐसी बन गई है। तो ये हमारी कचौरी बनके तैयार हो गई है। इसकी आउटर लेयर एकदम क्रिस्पी हो इसके लिए हम इसको 15-1 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो आप अगर 2-1 घंटे बाहर रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इसको हमें धीमी आंच पे तलते रहना है और बीच बीच में टर्न भी करते रहना है, और इसका कलर तलने के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए, जब ये बन जाए तो कुछ ऐसी दिखनी चाहिए ये।